आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो अब ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन अगर लड़ने का हौसला हो तो न केवल हर मुश्किल हर बीमारी से लड़ा जा सकता है बल्कि जीता भी जा सकता है, और इसी लड़ाई को जीता है प्रदीप कुमार ने। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदीप कुमार एक ड्रग एडिक्ट थे और पहले से इस्तेमाल की गई एक सिरिंज यूज करने की वजह से वह इस खतरनाक बीमारी का शिकार बन गए। साल 2000 में प्रदीप कुमार को पता चला कि वे HIV पॉजिटिव हैं। प्रदीप के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन वह तय कर चुके थे कि वे महज एक एड्स विक्टिम बनकर नहीं रहेंगे। प्रदीप ने इस चुनौती को कबूल किया और 2003 में तैयारी शुरू की। वर्कआउट को लेकर उनके डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि वह हैवी वर्कआउट ना करें, लेकिन प्रदीप ने उनकी सलाह नहीं मानी। प्रदीप की 2-3 सालों की मेहनत रंग लाई और उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होता रहा, और आखिरकार साल 2006 में वो दिन भी आया जब उन्होंने मिस्टर मणिपुर कंपटीशन में हिस्सा लिया और 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। प्रदीप इस बीमारी का शिकार जरूर बने थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कामयाबी के रास्ते के बीच कभी नहीं आने दिया। प्रदीप आज एक कामयाब बॉडी बिल्डर हैं। प्रदीप ने साल 2007 में मिस्टर मणिपुर का टाइटल अपने नाम किया और 2012 में उन्होंने मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल भी जीता और उसी साल मिस्टर वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। प्रदीप कुमार ने यह साबित कर दिया कि इंसान में अगर लड़ने की क्षमता हो, जीतने का हौसला हो, तो कोई बीमारी कोई मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं सौरभ यादव, नेशन टाइम के लिए।